नमस्कार फ्रेंड्स, प्रियाज मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोहा नमकीन बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही फेमस है और सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। देखिएगा मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा ऑयल लेंगे, जिसमें हमको ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। मैं सबसे पहले बादाम फ्राई कर रही हूँ। ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तब तक हम इनको ब्राउन करेंगे। बिल्कुल लो मीडियम पे हम इसको तल रहे हैं, जब तक कि हल्के से ब्राउन ना हो जाएं। ये बादाम हमारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन हमको नहीं करना है। इस समय पे हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉवल पेपर में इनको निकाल लिया है। अब हम थोड़े से काजू इसमें तलेंगे, इनको भी हल्का ब्राउन होने तक, पिंक होने तक तलेंगे। ये काजू भी हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, इस समय पर हम इनको टॉवल पेपर पर निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर मछली को फ्राई करेंगे। ये मछली भी हमारी तैयार हो गई है और हम इसको इस तरह से जाली के अंदर डाल के एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। फ्रेंड्स, से मैंने पोहा लिया है मोटा वाला, इस पर थोड़ी हल्दी डाली है, इससे पोहे का रंग बहुत अच्छा आता है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम पोहे को इसमें डालते हैं। जब ये झाग कम हो जाएंगे तब हम पोहे को निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे छलनी के अंदर, और उसके बाद हम इसको एक टॉवल पेपर पे रख देते हैं। इसी तरह से हम दोबारा पोहे को डालते हैं इसमें। तेल हमारा तेज गर्म होना चाहिए, तभी पोहा अच्छे से छलनी के ऊपर आएगा। देखिएगा, तेल हमारा तेज गर्म था तो फटाफट पोहा ऊपर आ गया है। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से तेल हमारा अच्छे से इसमें छलनी में निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको टॉवल पेपर फिर से रख देंगे। इसी तरह से हम सारा पोहा तल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको टॉवल पेपर पे निकाल दिए हैं, जब तक इसका ऑयल सोख लेगा ये टॉवल पेपर। इसी तरह से मैंने मूंगफली को भी टॉवल पेपर पे रख दिया है, ये भी ऑयल सोख लेगा, और ये ड्राई फ्रूट्स को भी। ये पोहा हमारा गर्म है, इस समय पे हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डाल देंगे, जितना आपको पसंद है। इससे क्या होगा कि मसाला इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। इसके अलावा हम इसके अंदर चाट मसाला डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें हल्की सी शुगर भी डाल सकते हैं, पिसी भी। ये देखिएगा इस तरीके से। इस समय पे हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट को भी डाल देते हैं, और जो मूंगफली हमने फ्राई की थी इसको भी डाल देंगे। और इनको बहुत अच्छे से हल्के हाथ से उनको मिला देंगे, अच्छे से मिला देंगे तो गरम के अंदर मसाला अच्छे से चिपक जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल हमारा गरम है, इस समय पे हम इसके अंदर थोड़ा सा मीठा नीम है, जिसको हम इस तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीख गया है। अब हम इसकी डंडियां निकाल के पत्ते हमारी नमकीन में डाल देंगे। थोड़ा सा ये हमने गोला है इसको लंबा लंबा कट कर लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। जितने अच्छे ड्राई फ्रूट डले होंगे नमकीन हमारी उतनी अच्छी लगेगी। ये थोड़ी सी हमारी किशमिश है जिसको हमने इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला देते हैं। बहुत ही अच्छी हेल्दी नमकीन बनती है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट खूब सारे हैं। ये मीठा नीम है, इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं। इससे बिल्कुल बाजार वाला लुक आता है।
नमकीन हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी पोहा नमकीन, बहुत ही अच्छी बनी है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी और एक बार जरूर बना के देखेगा आप। प्रयास मेजी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।